नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम सच जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं और जान रहे हैं कि आज लोगों का क्या कहना है, क्या समाज को बाबा राम रहीम जी की जरूरत है, क्या कहते हैं नौजवान, जानते हैं उनसे। नमस्कार, क्या नाम आपका? शीतल शर्मा। शीतल शर्मा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दादरी। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? MBA। वेल एजुकेटेड। क्या आपको लगता है क्या समाज को बाबा राम रहीम जी की जरूरत है? यस, बिल्कुल है। वो ऐसे थे जो उन्होंने यूथ को नई धारणा के ऊपर चलाया, बोला नशा मुक्त, अच्छी शिक्षा ही दी थी उन्होंने, तो अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी बहुत जरूरत है समाज को, आज के समाज को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर से वो नहीं है समाज में, वो क्या इफेक्ट है समाज को? उससे बहुत जो उनकी संगत है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है कि गुरु जी नहीं है उनके बीच, बट हमें उम्मीद है वो जल्दी वापिस आएंगे। सरकार से क्या अपील करोगे उनके लिए? सरकार से हम अपील करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को छुड़ाएं, क्योंकि नए यूथ को बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो हमेशा शिक्षा ही देते हैं, अच्छी शिक्षा ही तो देते हैं, और हमारे समाज को जरूरत है कि वो अच्छे से अच्छे कामों में लगे। आप कभी गए हो वहाँ पर, कैसी शिक्षा वो देते हैं? बिल्कुल गए हैं, बहुत बार गए हैं, हर बार जाते ही रहते हैं जब भी सत्संग होता है। तो उन्होंने आज तक कभी गलत शिक्षा नहीं दी, वो हमेशा बोलते हैं बड़ों का आदर करो, गलत चीज मत करो, और किसी की मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करो, और जितना आप मानव दिन भलाई के कार्य कर सकते हो उतने करो, ये सिखाते थे गुरु जी। तो उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना सिखाया, हमेशा अच्छा ही सिखाया उन्होंने। बड़ों का आदर करना क्या गलत बात है? उन्होंने यही तो सिखाया कि बड़ों का आदर करो, अच्छे से बोलो सबसे, और तमीज से रहो, नशा मुक्ति रहो, ये नशा छोड़ो, नशा क्योंकि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देता है इस वजह से। वहाँ पर इतना अच्छा कुछ सिखाया जाता था, लेकिन वहाँ जाने वाली लड़कियों के साथ व्यवहार किस तरह का होता है? बिल्कुल अपने माता और बहनों की तरह होता था व्यवहार, बिल्कुल जैसे यहाँ, बिल्कुल ऐसा लगता था अपने घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एक जो भी ये भी कहा जाता है कि वहाँ पढ़े लिखे कम जाते हैं, या जो चाहते हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है, अंधभगत है। कुछ नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो औरों के साथ भी इतनी एजुकेटेड लोग आते हैं, अभी तक तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठे ब्लेम लगे हुए हैं। तो और भी इतना कुछ दिखाया मीडिया ने, चैनल्स ने बाबा राम रहीम जी के लिए, आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो जो उनकी संगत है वो जानती है, और हमारे गुरु जी सच्ची में बहुत अच्छे थे, और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, हर दिन हर घंटे हर सेकंड उन्हें बहुत मिस करते हैं। लास्ट में दुनिया को क्या बताओगी कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, बाबा राम रहीम जी क्या है? सच्चा सौदा वो है जो एक मानव की भलाई के काम करता है, जिसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये झूठे ब्लेम है जो लगाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जो शर्मा जी जुड़े थे, उन्होंने बताई है सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की। आप भी खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा आखिर सच क्या है बाबा राम रहीम जी का, डेरा सच्चा सौदा का। जुड़े रहिए